चुनावी सरगर्मी में लोगों ने मई महीने की गर्मी को जैसे भुला ही दिया है, लेकिन सर्दी और गर्मी ये तो कुदरत का अंदाज है, आता भी जरूर है और जाता भी जरूर है। तो हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में मौसम के बदलते मिजाज की, कभी धूप, कभी छांव, कभी घनघोर घटा, कभी बरखा। जब अर्थ प्रकाश की टीम ने सिटी ब्यूटीफुल में मौसम के बदलते मिजाज का जायजा लिया तो नज़ारा आप तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ ऐसा था। इसके बाद हमारे संवाददाता ने चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल से आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा ये जानकारी ली। चलिए देखते हैं निदेशक सुरेंद्र पाल ने क्या कहा। हाँ जी सुरेंद्र पाल, निदेशक मौसम विभाग चंडीगढ़। अभी जो गर्मी चल रही है फिलहाल पिछले 48 घंटे में, ये ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी। आने वाले 48 घंटे में फिर से एक पश्चिम विक्षोभ आने वाला है, तो वो आने के बाद फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की कुछ विंड्स भी चलेंगी और बारिश भी है, तो 48 घंटे में टेम्परेचर जो है अभी 37-38 के आसपास आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी और लगभग जो अगले करीब जो है 3-4 दिन जो है बहुत ठंड नहीं पड़ने वाली है। अगर यूं कहा जाए तो मई का जो महीना है उसमें बहुत टेम्परेचर कम होने की संभावना है, लेकिन जून में संभावना है कि फर्स्ट और सेकेंड वीक में टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अगर पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए सर, पिछले सालों से अगर पिछले 5 साल की हम बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में ये जो साल रहा ठंडा रहा, करीब 1-2 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो मैक्सिमम तापमान है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो कम रहे हैं। वजह उसकी वही है कि लगातार जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती रही है पश्चिम विक्षोभ के आने की वजह से, जिससे आमतौर पर जो है तापमान जो है खासकर जो अधिकतम तापमान है वो कम रहे। तो बारिश की भी संभावना हो सकती है जून में या मई के? नहीं, अभी तो 22 और 23 में तो बारिश की संभावना जैसे मैं कह रहा हूँ कुछ इलाकों में है, ये पंजाब हरियाणा में भी है, और उसके बाद बीच बीच में बादल रहेंगे मई के मौसम में रात मिलेगी। हाँ, आने वाले समय में बीच बीच में क्लाउड्स अभी भी रहेंगे टिल द एंड ऑफ मई, जून महीने में संभावना है कि गर्मी आएगी। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।